हनी ट्रैप मामले में फंसे कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रेप के आरोपों के बाद हेमंत कटारे लगातार पुलिस को चकमा दे रहे हैं और पुलिस ने कटारे पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। इधर रेप कांड में फंसे कांग्रेस विधायक का एक और वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर सामने आए कटारे का कहना है कि 48 घंटे के अंदर मैं पूरे साक्ष्यों के साथ सामने आऊंगा। इतना ही नहीं, हेमंत कटारे ने इस पूरे मामले में अपनी सफाई भी दी है। देखिए इस वीडियो में किस तरह से कांग्रेस विधायक सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी मीडिया के माध्यम से मांग है, सबसे पहली मांग यह है कि DIG भोपाल, TI थाना बजरिया और TI महिला थाना, इन तीनों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश की जनता और मीडिया के साथी इस प्रकरण की सत्यता को देखना चाहते हैं, इतने तथ्य रखने के बाद मैं यह प्रश्न कर रहा हूं आदरणीय DGP साहब ऋषि कुमार शुक्ला जी से और मेरे संरक्षक विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सीतासरण शर्मा जी से, क्या इसके बाद भी आप लोग मौन धारण करके बैठे रहेंगे? यह सत्यता को उजागर करने के लिए, इस षड्यंत्र को विफल करने के लिए आप सामने आएंगे, मध्य प्रदेश की जनता के सामने और मीडिया के सामने आके इसका सच रखेंगे? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ, मेरा असली दोष क्या है वह तो बता दीजिए। क्या मेरा असली दोष सिर्फ ये है कि मैंने स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी के यहाँ जन्म लिया है, या मेरा दोष यह है कि मैं हर बार सत्यता को रखता हूँ और सारे भ्रष्टाचारों को उजागर करता रहा हूँ समय समय पर, या फिर मेरा सत्य है कि मैं एक समाज विशेष से आता हूँ? मुझे नहीं मालूम मेरा दोष क्या है, लेकिन सच यह है कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 48 घंटे में पूरे प्रमाण के साथ, पूरे साक्ष्यों के साथ, मैं पहले यह भी सिद्ध कर दूंगा कि ये जो लड़की प्रिंसू सिंह है वो और विक्रमजीत सिंह है वह एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलिंग का गिरोह है, और 48 घंटे में मैं आपको प्रमाण के साथ यह भी सिद्ध कर दूंगा कि दूसरी जो FIR मेरे विरुद्ध की गई है रेप की, 376 जो मेरे ऊपर लगाई गई है मेरा चरित्र हरण करने के लिए, वह भी पूर्णतः असत्य है। सारे तथ्यों के साथ मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा सिर्फ 48 घंटे में। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट ने रेप के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने हेमंत कटारे की तलाश में उनके घर और भोपाल स्थित उनके जिम पर भी छापामार कार्रवाई की थी, लेकिन हेमंत कटारे पुलिस को चकमा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।